हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस के नीटिंग। देखिए आज की वीडियो में ब्यूटीफुल डिजाइन लेके आई हूँ। ये डिजाइन एट्रोच का डिजाइन है और ये एट्रोच आपको रिपीट करते जाना है अपनी पूरी प्रोजेक्ट में। इस डिजाइन को आप जेंट स्वीटर, लेडीज स्वीटर, लेडीज जैकेट, ब्लैंकेट, बेबी स्वीटर किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रंग साइड पे ऐसे दिखता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 10 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिच करना होगा। मल्टीपल आप 10 प्लस 1 प्लस 2, 10 फंदों का डिजाइन है ये। इसमें मैंने 10 का मल्टीपल करके 20 प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिच कर लिया, टोटल 23 कर लिया है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको। 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, 5 फंदा सीधा धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। अब ये रिपीट करनी है आपको। यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। 5 फंदा सीधा, 2 4 5, 5 फंदा उल्टा, 2 4 5, 5 फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, आपको रिपीट करना है बार बार। फिर से रिपीट करेंगे धागा पीछे। 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। देखिए एज स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपका 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा, लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा। धागा पीछे, 2 फंदों का आपको सीधा बुनना है। 1 2। सेकेंड रो आपको सीधा फंदा को सीधा बुनना है, उल्टा फंदा को उल्टा बुनना है। एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब एक फंदा उल्टा। अब ये 2 फंदा बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको। धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। अब ये रिपीट करना है आपको। ये 2 फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न आपको रिपीट करना है। 5 फंदा सीधा, 2 4 5, 5 फंदा उल्टा, 2 4 5, 5 फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, आपको रिपीट करनी है बार बार। फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को। धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। देखिए 2 फंदे को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको एज स्टिच बचेगा, ये उल्टा। थर्ड रो भी सेम रो 1 की तरह बुनना है। एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको। 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। अब ये रिपीट करनी है आपको। एज स्टिच को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न आपको रिपीट करना है। 5 फंदा सीधा, 2 4 5, 5 फंदा उल्टा, 2 4 5, 5 फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, आपको रिपीट करनी है बार बार। फिर से रिपीट करेंगे धागा पीछे। 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा, ये सीधा बनेंगे, 1 2। फोर्थ रो भी सेम रो 2 की तरह बुनना है। एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब एक फंदा उल्टा। अब ये 2 फंदा बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको। धागा पीछे, 5 फंदा सीधा,
एक दो तीन चार पाँच धागा आगे पाँच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। अब ये रिपीट करना है आपको, यहाँ से ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है पाँच फंदा सीधा, दो चार पाँच, पाँच फंदा उल्टा, दो चार पाँच। आपको इन्हें दस फंदों को बार बार रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे धागा पीछे, पाँच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, धागा आगे पाँच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुए, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, ये भी उल्टा बुनेंगे। फिफ्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए स्टिच, एक फंदा सीधा। अब ये दो फंदा बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है, धागा आगे पांच फंदा उल्टा। देखिए अब ये सीधा फंदा आपको उल्टा बुनना है, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, देखिए यहाँ से भी एक फंदा, एक पाँच, पांच फंदा उल्टा, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा। अब ये उल्टा फंदा आपको सीधा बुनना है, अब एक दो तीन तीन चार, एक पाँच, पांच फंदा सीधा, पांच फंदा उल्टा, ये दो फंदों को छोड़कर एक दो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है पांच फंदा उल्टा, दो चार पाँच, पांच फंदा सीधा, दो चार पाँच, पांच फंदा उल्टा, पांच फंदा सीधा आपको रिपीट करनी है। इन्हें दस फंदों को आपको बार बार रिपीट करनी है, फिर से रिपीट करेंगे धागा आगे पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका दो डिजाइन खत्म हुए, लास्ट में आपका एक फंदा बचेगा, ये सीधा बुनेंगे। सिक्स रो एक फंदे से स्लिप करिए स्टिच, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदा उल्टा, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार चार पाँच। अब ये रिपीट करनी है आपको, ये दो फंदों को छोड़कर, एक फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है पांच फंदा उल्टा, दो चार पाँच, पांच फंदा सीधा, दो चार पाँच। यहाँ से यहाँ तक आपको दस फंदों को डिजाइन है, इन्हें दस फंदों को आपको बार बार रिपीट करेंगे, आपको रिपीट फिर से रिपीट करेंगे धागा आगे पाँच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। दो डिजाइन खत्म हुए आपको यहाँ से यहाँ तक, लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, ये उल्टा बुनेंगे। सेवेंथ रो एक फंदे से स्लिप करिए स्टिच, अब एक फंदा सीधा, ये दो फंदा बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको, धागा आगे पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। अब ये रिपीट करना है आपको, ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है पांच फंदा उल्टा, दो चार पाँच, पांच फंदा सीधा, दो चार पाँच, पांच फंदा उल्टा, पांच फंदा सीधा आपको रिपीट करना है। फिर से रिपीट करेंगे धागा आगे पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, ये भी सीधा बुनेंगे। एट रो एक फंदे से स्लिप करिए स्टिच, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच।
अब ये रिपीट करनी है आपको एज स्टिच को छोड़कर, यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है पाँच फंदा उल्टा, दो चार पाँच, पाँच फंदा सीधा, दो चार पाँच, पाँच फंदा उल्टा, पाँच फंदा सीधा आपको रिपीट करनी है। फिर से रिपीट करेंगे, पाँच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, पाँच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, ये उल्टा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड ये डिजाइन जस्ट एट्रोज का डिजाइन है, आपको ये एट्रोज बार बार रिपीट करनी है। अब आपको यहाँ से वन टू स्टार्ट करनी है, देन रिपीट करते जाना है वन टू एट्रोज, यहाँ से यहाँ तक आपका इतना सा आपको एट्रो में बनेगा। इन एट्रोज आपको बार बार रिपीट करनी है, रिपीट करते जाने के बाद आपको ऐसे ब्यूटीफुल डिजाइन बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।